بسم الله الرحمن الرحيم سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك السلام عليك يا بقية الله في أرضه सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, बहुत जल्द आ गए। हाँ, अल्लाह का करम रहा, यहाँ से जाते और आते वक्त सवारी वक्त पे मिल गई, वरना एक दिन में बसरा से जाकर आना महाल है। काफी थकन हो गई होगी। हाँ, लेकिन जो मैं लाया हूँ ना, उसकी खुशी में मेरी सारी थकान दूर हो गई। शहजाद, जब से तुम आए हो तकरीबन 2 साल हो गए तुम्हारे तालिबे इल्मी को। तुम्हारा इन्हिमाक, खुलूस, लगन, मुस्तकिल मिजाजी, शीरी कलामी, सुलझा हुआ अंदाज हम लोगों में एक नए जज्बे की तलकीन करते हैं। ये वाकई खुदा की देन है। हाँ जाबिर, ये अल्लाह ताला की देन है जिसने ये बख्शिश मेरे वालिदैन के जरिए मुझे अता फरमाया। एक तमन्ना और एक आस का दिया हमेशा दिल में रोशन रहता है। क्या बात है, मुझसे कहो, शायद दिल थोड़ा हल्का हो जाए। नहीं जाबिर, दिल की बात जबां पर आ जाने से चिराग की लौ धीमी पड़ जाती है। शहजाद, तुम कभी कभी मुझे एक मुअम्मा मालूम होते हो। अच्छा बताओ तो सही कि क्या लाए हो कि खुशी से फूले नहीं समाते। ये देखो, जन्नतुल मावा की जदीद प्रिंट है। अरे वाह, ये आपको कहां से मिली? काजमी कुतुबखाने से। और इस साल तो उन्होंने कई और किताबें शाया की हैं। जी तो चाह रहा था कि सारी किताबें ले लूं, पर समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या लूं क्या ना लूं। तुमने तो भाई मुझे इल्म का हरीस और लालची बना दिया है। मैं भी जल्द कुछ रकम जमा होते ही बसरा जाऊंगा। अल्लाह ताला तुम्हें सैयद रजी की तरह हरीस उल इल्म बना दे। और हाँ, अगर अगले महीने जाओगे ना तो और फायदे में रहोगे। वो कैसे? अगले महीने काजमी कुतुबखाना बिहारुल अनवार की 51वीं जिल्द शाया करने वाला है, जिसे किताबुल गैबा भी कहा जाता है। इस किताब में अल्लामा मजलिसी ने इमाम असर के बारे में बड़ी तफसील और रिवायत और दरायत के साथ बहस की है, और इबारत को नहायत सलीस और अच्छे असलूब के साथ जब्त तहरीर में लाए हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। मैं इंशाअल्लाह अगले महीने बसरा जरूर जाऊंगा। इंशाअल्लाह। ये हमारे मौला हैं, यही हमारे आका हैं, ये हमारे पासबान हैं। जकी भाई, ये वाकया सुनिए, और जाबिर भाई आप भी आइए, बयान फरमाइए। एक नौजवान था जो अपने बूढ़े बाप की तीमारदारी करता है, और उसे हजरत से मुलाकात का सिर्फ शौक ही नहीं बल्कि गहरा शौक था। हजरत बन अफसे नफीस उसके पास आए और शर्फ दीदार बख्शा। शहजाद भाई, जरा इख्तिसार से बयान कर दो ताकि हम भी सुन ले और हमारे लिए सबक आमेज तज़किरा हो जाए। बिल्कुल। अच्छा तो सुनो, वो शख्स अपनी नौजवानी के दौर से गुजर रहा था। उसका नाम इश्तिहादी था। घर में उसके वालिद काफ़ी बीमार थे। ये नौजवान हमा वक्त अपने वालिद की तीमारदारी में मसरूफ रहता, एक आवाज़ पर गहरी नींद से बेदार हो जाता और अपने वालिद के करीब आ जाता,
संभालता, उठाता, बिठाता, गिजा फरहाम करता। हर बार उसके वालिद उसे दुआएं देते और इमाम असर के बारे में कुछ तस्करा करते और फिर सो जाते। उसके दिले बेताब में एक तमन्ना रफ्ता रफ्ता करवट लेने लगी। उसने खुद से कहा कि काश मैं अपने मौला से मिलता। जब दुआए सहर में अल्लाह सुबहाना व ताला के जमाल व कमाल के जुमले आते हैं तो सोचता हूँ कि अल्लाह सुबहाना व ताला का नूर जमाल हम खाकी बंदों की आंखों में समा ही नहीं सकता, न सिवाय मासूम के किसमें इतनी ताबो तवानाई है कि उसकी झलक को देख सके। हाँ, मगर ये जुमले हमारे मौला के परतोए जमाल की तरफ भी इशारा करते हैं, दावत फिक्र देते हैं कि उसका वसी कैसा होगा, उसका वली कैसा होगा। इश्तिहादी के दिल में भी दीदार मौला की बेताबियाँ अजीब थीं। कभी कभी रात में डूबते हुए तारों के साथ उसका दिल भी डूबने लगता। उसने अपना मामूल बना लिया, वो हर मंगल का दिन गुजर जाता तो मस्जिद सहला की तरफ रवाना हो जाता। शहजाद, शहजाद तुम चुप क्यों हो गए? दिल भर आया। हम सब इसी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं, पाबजौला हैं, बस चले चलो के वो मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, रुके तो पांव पकड़ ले यहीं जमीन ना कहीं। अरे भाई, आगे क्या हुआ? आगे एक रात वो मस्जिद सहला से अपने घर वापस लौट रहा था। उसे एक अरब सामने से आता दिखाई दिया, चौधरी के चांद जैसा चेहरा। इश्तिहादी मबहूत हो गया, खुद फरामोशी के मंजिल पे था। वो शख्स करीब आया और गोया हुआ, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? इश्तिहादी ने कहा, नहीं जनाब, हैरान हूँ, ताकतें गोया ही नहीं है। अरब ने दरियाफ्त किया कि क्या हुआ? तभी इश्तिहादी कहता है, क्या रुए जमी पर आप जैसा भी कोई होगा? हो ही नहीं सकता, आप हम लोगों में से नहीं हैं, बहुत बलंतर और बहुत बालातर। अरब ने कहा, होश हवास को हाथ से जाने ना दो, कुछ दिन पहले तुमने बच्चों के लिए कुछ किशमिश खरीदी थी जो तुम्हारे जेब में मौजूद हैं। और हाँ ए जवान, तुम साहिबाने खैर में हो, साले हो, मेरी वसीयत को ध्यान से सुनो और अमल करो। वालिद की खिदमत में हमा तन हमा वक्त मसरूफ रहो और मस्जिद सहला की आमद और रफ्त उनकी हयात तक मौकूफ करो। ये कहते ही वो शख्स गायब हो गया और इश्तिहादी के मुंह से ये जुमले निकले, ये इमाम असर हैं, ये हमारे मौला हैं, ये हमारे पासबान हैं, ये हमारे दिल की धड़कनों को जानते हैं। अजब नहीं कि फरिश्ते इस पस्त मखलूक की आंखों को चूम रहे हों। اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم। سبحان الله, क्या वाकया सुनाया इमाम को। ये बिल्कुल गवारा नहीं कि कोई अपने वालिद की खिदमत में कोताही करे और इमाम से मिले। किस तरह इमाम अलैहिस्सलाम ने वालिदैन की अजमत और बुजुर्गी को वाज़ह किया है। ऐसा लगता है जैसे अजमतों के बुरूज से नूर की शुआएं फूट रही हों। ज़की अखलाक और बशर की अशरफियत की बुनियाद इन्हीं वालिदैन की खिदमत गुजारी में है। यही रोज़े महशर मीज़ान अदालत करार पाएंगे। एक हदीस में मिलता है, जिस शख्स को देखना हो कि उसका इमाम उससे राज़ी है या नहीं, उसे चाहिए कि वो अपने वालिदैन की तरफ देखे। अगर उसके वालिदैन उससे खुश हैं तो यकीनन उसका इमाम भी उससे राज़ी है। उस जवान का शौक है मुलाकात, सारी जिम्मेदारियों को समेटता हुआ अपनी राह पर डटा रहा। वो दिल में इरादा करता था मौला को खबर हो जाती थी, शमे मोहब्बत को रोशन रखा, कभी मायूस नहीं हुआ। मौला, क्या मुझ जैसे गुनहगार के लिए भी दीदार की सबील है? मैं अहद करता हूं कि मैं भी 40 शबे बुत का अमल करूंगा मौला, मैं आपका दीदार करूंगा मौला,
मैं आपका दीदार करूंगा। खुदाया मुकद्दर मेरा यूं जगा दे, इमामे जमाना का आशिक बना दे, मेरी माँ की कोशिश का उसे को सिला दे, इमामे जमाना का आशिक बना। उसको सिला दे, इमामे जमाना का आशिक बना दे। अता कहे जवानों को अकबर की हिम्मत, मिले मेरे बच्चों को असगर की हिम्मत, खुदाया उन्हें मुस्कुराना सिखा। अल्लाहुम्मा कुल वलीकल हुज्जत अल हसन सलावातुक अलैहि व आला बाए फी हाजा सात व फी कुल सा वलीयन व हाफिजा व कायदन व नासिरा व दलीलन व आईना हत्ता तुस्कनु अर्ज़क तौआ وتمتعوا فيها طويلا رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم میری عزاء حسینی عزاء پر میں جا دوں مجھے حوصلہ دے امام زمانہ کا عاشق بنا دے शहादत के रस्ते मौला मेरे आका ऐ नागिर अबलक अय्याम ऐ वारिस रहमतुल लिल आलमीन मुझे एक झलक दिखा दो अपनी, मैं कहां से लाऊं जुबैर और सईद का कलेजा, रुशैद और हबीब का अज़्म से बात, मगर मैं जानता हूं कि कुछ तो लुत्फ़ और करम मुझ पर जरूर होगा, आप आएंगे और मुझसे मिलेंगे। मेरी माँ का शीर और बाप का खून जैसे बोल रहा है, आप मेरी आवाज पर लब्बैक जरूर कहेंगे मौला, जरूर कहेंगे। मौला मौला आ जाइए मौला, मौला एक झलक दिखा दीजिए मौला, मौला एक झलक दिखा दीजिए। आए खातिबुल आइम्मा, आए वजह बकाए कायनात, ऐ खुतबे गदीर में खातमुन नबीन के ऐलान की सदाकत, ऐ रूहे रवान दीने मुबीने इस्लाम अली और फरजंदे अली जो मासूम इमाम हुए, उनकी विलायत पर आखिरी मोहरे इमामत, ऐ हुज्जते खुदा, ऐ हुज्जते खुदा,
हम आपके दर पे आए हैं, हम इसी सिलसिले विलायत पर यकीन कामिल के साथ आपके दर पे आए हैं मौला। मौला क्या आपकी दादी की शिकस्त पसलियों का वास्ता कम है मौला? मौला क्या करबला के तिश्नलम शहीदों का वास्ता कम है मौला? नहीं कम नहीं, शायद मेरी तलब में कोई कमी रह गई। ऐ शहजाद, आका ने तुम्हें मुलाकात की इजाजत दे दी, तुम उनसे मिलने शहर रहला में जरूर आ। मौला शहर रहला में जरूर आ, जरूर आ मौला, जरूर आ। अल्लाहुम्मा अरने طلعت الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. میں ایک انسان, क्या तुम मुझे जानते हो? मैं तुम्हें जानूं या ना जानूं, लेकिन तुम तो मुझे जान गए हो, वरना नेक इंसान क्यों कहते? खैर जनाब, आपकी मंजिल मकसूद कुफ फरोश की दुकान है जो उस बाजार में है। मौला 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 मिल जाइए मौला। क्या आप इस कुफ्र को खरीदोगे? जी हाँ, मुझे इसके 3 रियाल चाहिए। 3 नहीं, 2 रियाल दे सकते? मुझे तो 3 चाहिए। नहीं तो फिर आप कहीं और देखिए। जी जी हाँ जी हाँ हाँ, बजा फरमाया आपने, बजा फरमाया। मौला सलाम और दुरूद है आप पे मौला। इमाम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया कि इस वाफे का मुशाहिदा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए। क्या आप इस कुफल को खरीदोगे? मुझे इसके 3 रियाल चाहिए। लेकिन इसकी कुंजी कहाँ है? कुंजी कुंजी तो ना जाने कहाँ खो गई। एक मशवरा दूं भाई साहब? जी। अगर आप 1 रियाल खर्च करके इस ताले की कुंजी मुझसे बनवा लें तो आपका यही ताला 10 रियाल का हो जाएगा। हो जाने दीजिए, मगर आप मुझे इसके 3 रियाल दे दीजिए, मैं इसी में खुश हूँ। बिना कुंजी के भी इस ताले की कीमत 8 रियाल है बाजार में। होगा, मैं तो सारा बाजार घूम चुका हूँ। ऐसा लगता है सब मेरी मजबूरी और परेशानी का फायदा उठा रहे हैं, मगर कोई भी इसे 3 रियाल में खरीदने के लिए तैयार नहीं। बराए करम आप इसके 3 रियाल दे दीजिए। आप परेशान और दिल बर्दाश्ता ना हो, सही जगह आप आ गए हैं। ये कीमती कुफल है, मैं इसे 3 रियाल में क्यों खरीदूं? मुसलमान हूँ, किसी का माल सस्ते दाम नहीं खरीद सकता। खुद मेरा जमीर मुझ पर मलामत करेगा, किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाना मेरा शेवा नहीं है। बिना कुंजी के भी आपका ये ताला 8 रियाल का है। अब क्योंकि मैं ताजिर हूं, इसलिए इसे 7 रियाल में खरीदने को तैयार हूं।
एक रियाल मुनाफा कमाऊंगा और 8 रियाल में किसी को बेच दूंगा। इससे ज्यादा अगर मैंने कमाया तो नाइंसाफी होगी, मेरा जमीर मुझे माफ नहीं करेगा। और फिर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हम सब अपने वलिए असर के रूबरू जवाब दे हैं। मेरी जरूरत की आज बहुत तेज है, मुझे 3 रियाल की सख्त जरूरत है, आप इसके 3 रियाल दे दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। खुश मेरे भाई, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपका ये ताला 7 रियाल का खरीद रहा हूं, 1 रियाल नफा कमाऊंगा और 8 रियाल में किसी को बेच दूंगा। खुदा आपके दर्जात को बुलंद करे। शुक्रिया, शुक्रिया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अजीज, तुमने इस वाकये को देखा, मैंने इस शहर में इस कुफ्र फरोश को चुना क्योंकि ये शख्स दीनदार है, खुदा को पहचानता है। पूरे बाजार के ताजिरों ने उस ज़ईफ को ज़रूरतमंद देखकर उसका माल कम कीमत पर खरीदना चाहा। एक भी शख्स उस ताले को 3 रियाल में खरीदने को तैयार नहीं था, मगर इस ताजिर ने ताले को 7 रियाल में खरीदा। यही वजह है कि मैं हर हफ्ते इसकी मुलाकात को आता हूँ और इसकी खैरियत दरियाफ्त करता हूँ। अगर तुम लोग इसी तरह रहो, इंसाफ से पेश आओ, तो मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हें इस कदर जहमत और मेहनत की जरूरत नहीं है, तुम अमल करो, सच्चे मुसलमान बनो, ताकि मैं तुम्हारे साथ ताउन करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।